હવે વાત કરીશું વિકાસ પ્રવાસે શહેનશાની। तो वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी ना मेहमान बन्या शाह। एमएस यूनिवर्सिटी ने पदवीदान समारोह में तेओए हाजरी आपी। सयाजनगर गृह में योजाई रह्यो छे 71मो पदवीदान समारोह। एमएस यूनिवर्सिटी में 14761 विद्यार्थियों ने डिग्री आपी। शिक्षा का वो भी उपलब्ध है और गांधी जी के मातृभाषा पर आग्रह वो भी। अगर आप अभी भी इसको बारीकी से देखोगे तो आने वाले दिनों में आपको बहुत सरलता हो जाएगी अपना रास्ता प्रशस्त करने में। मैं आज यहाँ से जो विद्यार्थी जीवन समाप्त कर पदवी धारण कर जो पदवी धारक जा रहे हैं उन लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन में कुछ भी करना अपनी मातृभाषा को न छोड़ना। आप इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकल जाइए, इस लघुता ग्रंथि से निकल जाइए कि भाषा से आपकी स्वीकृति आएगी। भाषा ये अभिव्यक्ति है, भाषा मूल तत्व नहीं है, भाषा अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति की भाषा कोई भी हो सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में सोचता है तो वो अच्छा सोचता है, अपनी भाषा में रिसर्च करता है तो रिसर्च की उसकी क्षमता अनेक गुना बढ़ जाती है। कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में एनालिसिस करता है तो एनालिसिस के साथ साथ उसका तर्क तो बढ़ता ही है, निर्णय लेने की क्षमता भी अपने आप बढ़ जाती है। स्वभाषा इससे बड़ा व्यक्तित्व निर्माण का कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। और मेरा आप सभी से आग्रह कि उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकल जाइएगा। मैं विदेश के कई लोगों को मिला हूं और वो आकर मुझसे अंग्रेजी में बोलते हैं, तब मैं पूछता हूं कि आपके देश की भाषा कौन सी थी। वो थोड़ा आंख नीचे कर लेते हैं, हमें तो मालूम भी नहीं है हमारे देश की भाषा कौन सी थी। और हमारा देश इतनी सारी सबसे पुरानी भाषाओं का स्वामित्व हमारे देश का है, सबसे अच्छा व्याकरण, सबसे अच्छा साहित्य और सबसे अच्छी कविताएं भी और सबसे संग्रह करने जैसा इतिहास भी हमारी ही भाषाओं में है। जब तक हम हमारी भाषाओं को संवर्धित नहीं करेंगे तब तक हम देश का भविष्य नहीं सुधार पाएंगे। मोदी जी ने इसीलिए नई शिक्षा नीति में भाषा के महत्व को बरकरार रखने के लिए प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को कंपलसरी करने की दिशा में सोचा है। नई शिक्षा नीति ने शिक्षा को स्ट्रीमलेस और क्लासलेस बनाने का काम किया है। जब शिक्षा स्ट्रीमलेस और क्लासलेस बन जाती है तो आप मुक्त चिंतन, मुक्त विहार, ज्ञान की दुनिया में कर सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है? शिक्षा का उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना नहीं हो सकता है। शिक्षा का उद्देश्य अच्छी नौकरी प्राप्त करना नहीं हो सकता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त करना नहीं हो सकता है। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण मानव बनना हो सकता है और वो तभी हो सकता है जब स्ट्रीमलेस और क्लासलेस शिक्षा हो। और मोदी जी ने नई शिक्षा नीति शिक्षा को नई शिक्षा नीति के माध्यम से स्ट्रीमलेस और क्लासलेस बनाने का काम किया है। आपका अभ्यास भले ही समाप्त हो गया हो परंतु आप इसके आधार पर आपने जो कुछ भी सीखा है इन नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में आप इसको सोच सकते हैं। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम भी इस शिक्षा नीति में उपलब्ध करा है। एक साल की पढ़ाई भी कर लेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, दो साल पूरे करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, तीन साल पूरा करेंगे तो डिग्री मिलेगा और चार साल पूरा करोगे तो रिसर्च के लिए जा पाओगे। कितना भी पढ़ोगे कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है और कोमा भी नहीं, कोमा नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में जितना मौका मिला इसका एक आधार लेकर वो अपना जीवन जिएगा, आगे बढ़ेगा। और शिक्षा तो जीवन के अंतिम क्षण